जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इश्यू है, वो है सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द लीडरशिप ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी एंड लद्दाख कश्मीर एंड जम्मू। ये एक ट्रेजिक सिचुएशन है, अफसोसनाक हादसा है, एक के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है बिल्कुल, उनके नौकरों को भी सिक्योरिटी दी है। आप समझे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां एक और प्लांट पार्टी आरएसएस ने प्लांट की और आज भी प्लांटेड है, जो जम्मू कश्मीर में हैज नो वर्ड इन द पॉलिटिकल डिक्शनरी ऑफ जम्मू कश्मीर। वहां उनको सिक्योरिटी है, गाड़ियां हैं, बीपी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आई एम द ओनली पर्सन इन द पैंथर्स पार्टी जो जेड सिक्योरिटी में है सिंस 1996। और मेरी सिक्योरिटी गाड़ी भी एक साल की मोदी सरकार जी ले गए हैं, लेकिन दैट इज नॉट द सब्जेक्ट। भीम सिंह का सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपसे याद कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, अभी आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, वर्किंग कमेटी ने मुझे इलेक्ट किया और उसके बाद 23 मार्च को डेलीगेट सेशन में आप मौजूद थे। आई होप यू वर कि ये डेलीगेट सेशन ने मुझे 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट पैंथर पार्टी। दूसरी बात एक आपको भी समझना जुड़ी है और हमारे साथियों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिकॉग्नाइज किया है और रिकॉग्निशन यह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी है। ये तीनों खितों में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बिलीव इन वन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो हमारे बुजुर्गों ने महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में जिसकी बुनियाद रखी थी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी ट्रेजेडी देखिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की सारी सिक्योरिटी गायब है। मेरे पास यहां कश्मीर के भी लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, यहां जम्मू के भी हैं, लद्दाख के, उम्मीद है आने आने पहुंची है नहीं पहुंची देखता हूं मैं, लेकिन किसी की सिक्योरिटी नहीं रखी है। मोदी सरकार ने यूं ही जिस दिन यहां जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट किया था इनटू ए कॉलोनी ऑफ दिल्ली, मैं कॉलोनी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर इज ए कॉलोनी ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर 1846 में स्टेट बनाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने, हमारे बुजुर्गों ने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने मिलकर बनाई थी। आज वो स्टेट कहां है? इस स्टेट को कन्वर्ट करना इनटू कॉलोनी, हमारे साथ बहुत धोखा किया जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के साथ और उन लोगों के साथ भी जो आज पाकिस्तान या चाइना, आधी से ज्यादा जमीन हमारे जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान चाइना, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। लेकिन क्या हुआ, मैं हर जगह गया हूं, हर जगह लोगों से मिला हूं और आज मैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी स्टूड फॉर इंडियन फ्लैग, तिरंगा, जम्मू कश्मीर स्टूड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टूड फॉर फंडामेंटल राइट। आज हमारी साथ ट्रेजेडी देखिए,
कि जम्मू कश्मीर में हमें मानवाधिकार को दबाने के लिए आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट मौजूद है। हजारों नौजवान जम्मू कश्मीर में जेलों में बंद हैं विदाउट ट्रायल, और हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर का आप पता कीजिए कि ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अधीन है या ये जम्मू कश्मीर के आयन के अधीन है, जबकि जम्मू कश्मीर के आयन का पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का आयन है भी या नहीं है, वो सब्जेक्ट अलग है। मैं आज आपके सामने ये रखे हैं, ये है कि हमारे पैंथर पार्टी की हमारी अपील है राष्ट्रपति से। मैंने कल ही राष्ट्रपति जी के टेलीफोन करके दिल्ली में उनको भेजा था, और कॉपी हमने भेजी है एलजी जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं कश्मीर और जम्मू के, और साथ साथ स्टेट सेक्रेटरी जो हैं, इनको उसी तरह सिक्योरिटी दी जाए जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज भी नहीं है दी गई है सिक्योरिटी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को है, क्योंकि वो सिटिंग एमपी भी है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को क्लीन कर दिया है आरएसएस गवर्नमेंट मोदी ने, ये जगह हमारी आरएसएस नहीं है, हमारी मोदी सरकार के साथ है हक इंसाफ के लिए। इसलिए मैंने राष्ट्रपति को कल ये चिट्ठी भेजी सी लिखी है, कल 25 या 26 है कि, और उनके नाम दिए हैं और उनके टेलीफोन नंबर एड्रेस कश्मीर के जम्मू के लद्दाख के, और आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही थी कि मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कोई न्यूज पेपर एडिटर्स को कोई मेरे से नाराज रहते हैं क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, मैं सभी का आभारी हूँ। I feel grateful for our journalist work.